इसलिए जब इन युवाओं के बारे में कोई ये कहता है ना कि आज का युवा ये कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो खराखर झूठ बोल रहा है। उसने अपनी भूमिका सही टाइम पे निभाई होती तो उससे पहले की पीढ़ी कंफ्यूज नहीं होती है। आज का युवा जितना शार्प है, जितना बात को सीधे अंदाज में कहता है, वो अगर मगर में नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए आज के युवा का आइडियल और हमारे दौर के आइडियल में एक ही फर्क है। एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था घर। वैसे मैं फिल्में बहुत कम देखता हूं, लेकिन जो पहले कभी इलाहाबाद था वो अब प्रयागराज हो गया है। उसी विश्वविद्यालय में मेरी एक बहन है जो मुझे इसी दौर में मिली। बहुत कुछ मुझे वो पीछे से बताती रहती है। इस फिल्म का जिक्र उन्होंने मुझसे किया। उस घर फिल्म के अंदर एक हीरो और एक हीरोइन थे। हीरोइन शायद कोई रेखा थी और हीरो कोई विनोद मेहरा थे। और एक साधारण परिवार में दोनों में प्यार मोहब्बत हुई, शादी हो गई और एक सामान्य भारतीय परिवार जैसे रहता है वो रह रहे थे। एक दिन कहीं वो घूमने गए, वहां चार पांच गुंडों ने उन पति पत्नी में से उनकी पत्नी के साथ सामूहिक रेप किया और उसके बाद वो पति अपनी पत्नी को घर ले आया, उसका इलाज करते रहे, लंबे समय तक इलाज कराया। ठीक ठाक कुछ समय के बाद वो पत्नी हो गई। उस फिल्म का जो कॉन्क्लूजन था, जितने रिव्यू लिखे गए उसमें यह कहा गया कि देखिए एक कितना अच्छा पति है जो अपनी पति के संकट के समय में उसके साथ खड़ा रहा। कुल मिलाकर के उस पूरे फिल्म का जिस यह निकाला गया कि जिसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया हो, वो पति उसको रोक नहीं पाया, पूरे समय तक बाकी की जिंदगी में वो पत्नी उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकलती है और फाइनली वो पति इस बात में सक्सेसफुल हो जाता है कि वो पत्नी से कहता है अब सब भूल जाओ, सब सामान्य हो जाएगा। पत्नी, क्योंकि वो पत्नी थी, उसने भी उसको यह एहसास दिला दिया कि मैं सब भूल गई। वो भूली नहीं थी। तो 70 के दशक की यह मूवी है और आज एक फिल्म आई बाहुबली। इसलिए कि मेरा आज का युवा फिल्मों से बहुत प्रेरणा लेता है। मेरी माएं बहनें मेरी बेटियों के समान, जितनी बच्चियां हैं वो फिल्मों से बहुत अपने आप को ड्राइव करते हैं। आज आपके पास फिल्मों से अगर कुछ ड्राइव करना है तो एक दो लाइन की मैं आपको कहानी सुनाता हूं। बाहुबली में उस फिल्म का जो हीरो है उसकी पत्नी है देवसेना। राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत कैसे वहां सत्ता बदली यह मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन उस सभा में जब महिलाएं लाइन लगा करके ऊपर जा रही थीं, तो बाहुबली की पत्नी भी लाइन लगा के जा रही थी और सत्ता का कोई चाटुकार उन महिलाओं की मान मर्यादा से खेल रहा था। देवसेना जब आई तो देवसेना के भी उसने ऐसे ही हाथ लगाया। देवसेना 70 के दशक की हीरोइन नहीं थी, उसने निकाला और उसकी उंगलियां काट दी। ताली बजाने का यह समय नहीं है। मेरी बहन, मेरी माएं और वो बेटियां, उनसे मैं इस शब्द पे मुखातिब नहीं हूं। मैं हर उस पुरुष से हूं जिसे अपने पुरुषार्थ पे बहुत यकीन है, जिसको पुरुष होने का बड़ा दंभ है। पैदा होने से कोई पुरुष नहीं हो जाता।
मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, उन पिताओं से पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी घर से निकल करके पढ़ने जाती है, घर से निकल के सहेलियों से मिलने जाती है, लेकिन किसी न किसी चौराहे पर कोई न कोई गुंडा जिहादी उससे अश्लील बात कहता है, उसको छेड़ता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वही लड़की जब अपने घर लौट के आती है तो जब अपने पिता से बात करती है तो पिता गौर से सुनता है, लेकिन पिता सुनने के बाद समाधान नहीं निकालता, उससे कहता है कि कल से तुम उधर से नहीं इधर से जाना। यह सिलसिला उसके साथ जारी रहता है। वो भाई जो सुबह से लेकर शाम तक मोटरसाइकिल पे घूमता है, जब वो भाई से कहती है तो भाई को लगता है कि इसके लिए तो मुझे लड़ना पड़ेगा, तो भाई कहता है कि तुम घर बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेती, तुम्हारे चक्कर में अब मैं लड़ता फिरूंगा। वो अपने पिता की अपने भाई की लाचारी को देखती है, वो देखती है कि मेरा पिता जो एक नौकरी करता है जिससे घर चलता है, अगर मेरे सम्मान को बचाने के लिए वो घर से निकलेगा तो ये पूरा घर कैसे चलेगा। मेरा भाई जिसे मेरी रक्षा करनी चाहिए थी वो मुझसे रक्षा ना करके मुझसे कह रहा है कि तुम उधर से रास्ता बदल लो, तुम पढ़ने क्यों जा रही हो, तुम घर से चली जाओ। वो लाचार लड़की अपने पिता अपने भाई की लाचारी को देख करके अपने मन में तय कर लेती है। और यकायक एक दिन जो फिल्मों में उसे पुरुषार्थी लगते हैं वो पंचर वाला जब दिखता है तो उसके साथ चली जाती है। मैं उन तमाम पुरुषों खुला कहता हूं यह बात कि देव सेना ने जब भरी सभा में यह कहा कि यह हुआ यह हुआ, तो उसके पति ने उस सेनापति से नहीं पूछा, उसकी बात पे यकीन नहीं किया, जो भी वर्जन उस सेनापति ने बताया ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। उस पति ने अपनी पत्नी से भरी सभा में पूछा, देव सेना तुम बताओ कि क्या हुआ था, तो देव सेना ने पूरी घटना बताई, बोली इसलिए मैंने इसकी उंगली काट दी। उसके पति ने भरी सभा में कहा कि इसकी उंगली नहीं इसकी गर्दन काट देनी चाहिए, और यह कहते कहते गर्दन काट दी। आज के युवा, आज के सनातनी हिंदू मर्द को अगर बनना है तो बाहुबली बनिए, बाकी शाहरुख खान आते हैं चले जाते हैं। और जिस दिन आप बाहुबली बनेंगे, न रिंकू शर्मा की हत्या होगी और न हरियाणा में जहां सरकार आपकी है वहां ना निकिता की तोमर की हत्या होगी। यह हत्याएं, ये लव जिहाद कानून से नहीं तय हो सकते, कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। कानून तो मर्डर का भी है, रेप का भी है, चोरी का भी है, डकैती का भी है, क्या रुक गई उससे? जो काम समाज को करना चाहिए, समाज चाहता है वो काम सरकार करे। जिस दिन खेल का मैदान बदल देंगे उस दिन कोई निकिता नहीं बनेगी। किसी लड़की का शव शादी करने के बाद अटैची में नहीं मिलेगा, इसलिए कोरोना की दवा ढूंढ ली भारत ने, जिहाद की दवा भी ढूंढो।